तो मेरे भाभी का मुंह बन जाता है। भाभी आपके लिए, मेरे लिए, भैया के लिए कितना कुछ करती है। इतनी लड़ाई करती है मम्मी से और भैया से कि पूछो मत। ये पैसे रखो। हर शनिवार और बुधवार को सुबह 9:15 पर हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाइव मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें। अरे भाभी, ये तो रहने देते ना। अरे दीदी कोई नहीं, ये तो आप अपने पसंद का लेके आए थे, मैं और ले लूंगी। यहाँ से वहां पे मिलती तो है नहीं, यहाँ से मैं दोबारा ले लूंगी। आप मानोगे तो हो नहीं, रख दो, आप चिंता मत करो। और ये लो। अरे भाभी ये किस लिए? अरे आप रखो, इतना सारा सामान तो दे दिया आपने, इसकी क्या जरूरत थी। अरे आप रखो। ठीक है, आपके कहने से मैं रख लेती हूँ। कौनो सब सामान रख दिया ना बेटा? हाँ मम्मी, सब हो गया पैक। और वो अचार रख दिया? हाँ वो भी रख दिया मैंने। प्रिया तेरी गाड़ी बुक हुई नहीं हुई? हाँ माँ, 15 में आ रही है अभी। ठीक है बेटा, ध्यान से रखना पूनम सामान, रह ना जाए बेटा कुछ, पिछली बार भी बहुत सामान रह गया था इसका। जो रहेगा भाभी संभाल के रख लेंगी, दोबारा में आ जाएगा। जा बेटा 2 कप चाय बना ले। ले बेटा ये पैसे रख ले। अरे मम्मी इतने सारे? अरे एक तेरा भाई दे देता है खर्चे के लिए, अब सारा खर्चा तो बहू कर देती है। ये पैसे इकट्ठे हो गए थे, तू ले जा, अपने पसंद का कुछ सामान ले लेना। मम्मी आप है ना, ये पैसे रखो। लेकिन बेटा ये तो तेरी भाभी ने दिए हैं ना, भाभी के लिए उनके पसंद का कुछ भी ले लेना। भाभी आपके लिए, मेरे लिए, भैया के लिए कितना कुछ करती है, आप उन्हें उनकी पसंद का सामान दिलवा देना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। चल बेटा ठीक है, बस तुम दोनों में प्यार ऐसे ही बना रहे, भगवान खुश रखे तुम दोनों को। लो दी चाय। मम्मी ने ना पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म कर रहे होंगे जो उन्हें आप जैसी बहू मिली है। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, सच में भाभी आप बहुत अच्छे हो। भाभी एक बात पूछूं, जब आप अपने घर जाते होगे आपकी भाभी भी ऐसे ही प्यार करती होंगी ना? पता है जब मैं घर जाती हूँ ना तो मेरे भाभी का मुंह बन जाता है। और जैसे उन्हें पता चलता है ना कि मैं घर आ रही हूँ तो पहले ही वो अपने पीहर चली जाती हैं। भैया कभी मना भी कर देना घर जाने के लिए तो मेरे जाने पे मेरे सामने इतनी लड़ाई करती हैं मम्मी से और भैया से कि पूछो मत। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं घर जब आ रही हूँ तो बस सामान लेने के लिए आ रही हूँ। जब मैं घर जाती हूँ ना तो मेरी भाभी सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती, मुझसे निगाहें चुराने लगती है। और कभी बात करने की कोशिश भी करूँ ना, या तो भैया से झगड़ा कर लेती हैं या फिर माँ से लड़ाई कर लेती हैं। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि मेरी भाभी आएगी, हम दोस्त की तरह रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? दीदी मुझे तो कभी अपनी भाभी से प्यार मिला नहीं, लेकिन मैंने तभी सोच लिया था मैं अपनी नंद को खूब प्यार दूंगी और अपनी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी, और मैं अपनी नंद को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी मायके में और ससुराल में। जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा हो, मेरी भाभी का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है तो ये जरूरी तो नहीं ना कि मैं भी उन्हीं जैसी बनूं। मेरी भाभी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं खुद तो कोशिश करूं ना कि मैं एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बनूं। भाभी आज आपने ना मेरी आंखें खोल दी, मैं भी ना कहीं अपने मन के साथ कुछ ना कुछ ऐसे कर जाती थी। मैं भी है ना अपनी दीदी के घर आने पे ना मेरा भी मुंह बन जाता था, लेने देने के पीछे है ना मैं भी बहुत वैसे हो जाती थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज आपका प्यार देख के मेरे अंदर से वो हो रही है कि मैं भी ना आप जैसी बनूं, जो
जो प्यार आप मुझे देते हो ना, मैं भी उन दीदी को दूं। हाय फ्रेंड्स, लड़की के ससुराल में और मायके में हर कोई केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता। आपको क्या लगता है, पूनम ने अपनी भाभी के व्यवहार से जो सीखा और जो अपने नंद के साथ किया, वो ठीक किया या गलत? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपकी भाभी या नंद से आपके रिश्ते अच्छे हैं तो उन्हें अभी फ़ोन करके उनका धन्यवाद करें। और हाँ, किसी भी कारण से अगर आपकी भाभी या नंद से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो भी उनके प्रति अपना व्यवहार अच्छा ही रखें, क्योंकि किसी के गलत व्यवहार से हमें अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं तो हमेशा अपने अच्छे व्यवहार से अपनी अच्छाइयों को दिखाते भी रहें और अपनी अच्छाई पर कायम रहें। एक पुरानी कहावत है, आग से आग कभी नहीं बुझती। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।